वैसे हम सभी को एलोवेरा के बारे में पता ही है कि ये कितना ज़्यादा मैजिकल होता है स्किन और हेयर के लिए, लेकिन हम सभी में से कुछ लोगों को एलोवेरा का इस्तेमाल करना नहीं पता है कि किस तरीके से करना है, सही मायने में कैसे इसका इस्तेमाल करना है। तो आज का वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। वेलकम बैक टू माई चैनल सालू ब्यूटी रेसिपी। तो गाइस, अगर आप एलोवेरा लगाने के बारे में सोच रहे हो कि स्किन पे कैसे एलोवेरा लगाना है कैसे नहीं लगाना है, तो आप जब भी एलोवेरा को गमले से प्लग करते हो, तोड़ते हो, तो उसको अच्छे से पानी से वॉश करना है जब तक उसमें येलो पार्ट ना निकल जाए, क्योंकि गाइस येलो पार्ट बहुत ज़्यादा नुकसान करता है स्किन और हेयर के लिए। आपको डायरेक्ट एलोवेरा तोड़ के आपको डायरेक्ट फेस पे अप्लाई नहीं करना, उसको प्रॉपर अच्छे तरीके से वॉश करना है। जब वो एकदम क्लीन हो जाए, येलो पार्ट निकल जाए उसका, तब आपको अपने फेस पे डायरेक्ट इसे अप्लाई करना है। तो इस तरीके से आपको फेस पे अप्लाई करना है। तो मैं बता दूं कि किस टाइम करना है। जब भी आप लगाने को सोच रहे हो एलोवेरा, तो आप रात को लगाओ, क्योंकि रात को जब आप एलोवेरा लगाते हो नाइट में, तो आपकी स्किन जो है ना वो अंदर से हील करती है। तो हील करने से क्या होता है कि स्किन पे कोई भी प्रॉब्लम है, या एजिंग की साइन है, या एक्ने स्किन है, या एक्ने स्कॉर्स वगैरह है, या पिगमेंटेशन के दाग धब्बे हैं, या स्किन पे कोई ग्लो नहीं रह गया है, तो ये उन सबको बरकरार रखने की पूरी कोशिश करता है। और जो भी स्किन प्रॉब्लम होती है ना, ये एलोवेरा उसे रिमूव कर देता है डे बाय डे, अगर आप इसे पर डे लगाते हो तो। तो एलोवेरा को आप दिन में दो बार आराम से लगा सकते हो, बहुत ही अमेजिंग वर्क करता है ये। स्किन के पे सैगिंग वगैरह अगर हो रहा है, या स्किन पे एजिंग की साइन दिख रही है, तो ये उसे भी रिमूव करता है। लेकिन एक दिन के यूज़ से बिल्कुल भी ये रिमूव नहीं होता है, आपको पर डे इसे लगाना पड़ेगा। तो आप जब भी आप चाहते हो कि आपके एजिंग की साइन रिड्यूस हो, सैगिंग रिड्यूस हो, या आपके स्किन पे बहुत ज़्यादा ग्लो आए, तो आपको रात को पर डे इसे इस तरीके से लगा के आपको सो जाना चाहिए, क्योंकि जब आप सोते हो तो हीलिंग प्रोसेस होते हैं, तो आप स्किन पे ग्लो आते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।